और जकात के सिस्टम में वो 200 के साड़ियां ला के नहीं बांटना, 500 की लाइन बना के नहीं ठहरा करना। जकात का जो निज़ाम है ना, उसका असल मकसद है कि मुसलमानों की मईशियत को मजबूत किया जाए। एक मरतबा अगर किसी को जकात दी जाए तो दोबारा वो जकात देने वाला बने, लेने वाला नहीं। हमारे पास क्या करते हैं, हम जितनी जकात निकल रही है उसमें साड़ियाँ ला के, 200 की साड़ियाँ ला के पूरे बांटते चले जाते। मुझे बताओ, तो 200 की साड़ियों से 500 रुपये से किसी की ज़रूरत पूरी होगी, होगी नहीं होगी? अल्लाह के लिए सिस्टम को ख़त्म करो, इस निज़ाम को ख़त्म करो। एक जगह दो, जिनको देना है ना उनको पढ़ो, कुरान में पढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में बताता है कि 8 किस्म के लोगों को ज़कात देना है। आपका होमवर्क है, जाओ जाके देखो, जाओ जाके देखो, 8 किस्म के लोगों को ज़कात देना है। उसके अलावा आप किसी को भी नहीं दे सकते। ज़कात कितनी देना है, कब देना है, किन किन चीज़ों पर ज़कात है, अल्लाह